सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, फाइनली एप्पल के तरफ से उनका मोस्ट अवेटेड अपडेट जो कि iOS 18.1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, पब्लिक स्टेबल अपडेट सभी आईफोन डिवाइसेस के लिए आज से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आपके पास आईफोन 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 या फिर अगर आप एक आईफोन 16 सीरीज के मेंबर है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके आईफोन में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। न्यू एप्पल इंटेलिजेंस मतलब कि AI फीचर इनेबल हो चुका है, मोस्ट अवेटेड कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर इनेबल हो चुका है, कंट्रोल सेंटर में काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिला है, लाइब्रेरी हो या फिर गैलरी हो, हर एक चीज़ आपको ऑप्टिमाइज देखने को मिल चुकी है। सो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके पास आईफोन का कौन सा मॉडल है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आईफोन 12 से लेकर आईफोन 16 सीरीज कौन सा मॉडल है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे अपने आईफोन 12 मॉडल में यहाँ पे iOS 18.1 का जो पब्लिक स्टेबल अपडेट है कल ही यहाँ पे रिसीव हो गया था, एंड मैंने अपने फोन में इस अपडेट को सक्सेसफुल इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपको अबाउट फोन सेक्शन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे, एंड अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद iOS का जो वर्जन है 18.1 जो कह रहे कि पब्लिक स्टेबल अपडेट है, वैसे अबाउट अपडेट के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन देखने को मिलती है जो कि पहले भी यहाँ पे iOS 18 में मतलब इस स्टेबल अपडेट में देखने को मिली थी। वैसे अपडेट इंस्टॉल करने के बाद एक दिक्कत मुझे यहाँ पे देखने को मिली है, वैसे अगर आपके भी फ़ोन में ऐसी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपडेट इंस्टॉल करने से पहले मेरे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था तकरीबन 49.88 GB के आसपास था, मतलब कि तकरीबन यहाँ पे 50 GB के आसपास मेरा यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस था। बट अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मेरा जो अवेलेबल फ्री स्पेस हो चुका है 25 GB, मतलब कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली यहाँ पे 25 GB यहाँ पे घट चुका है। आई डोंट नो वाई, बट ये जो दिक्कत है मेरे फ़ोन में देखने को मिली है, शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे ओल्ड डिवाइसेस में ऐसा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट मॉडल है उसमें यहाँ पे फ्री स्पेस मतलब भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड इसके बाद जो मॉडेम फर्मवेयर है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, 4.70.01 से 5.10.01 यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो मॉडेम फर्मवेयर यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो अगर आपके फ़ोन में जो भी वाईफाई हो या फिर जो भी मोबाइल नेटवर्क या फिर जो भी कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। वैसे मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है, नेटवर्क बार कभी कभार पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। सो आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों अगले चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो कंट्रोल सेंटर यहाँ पे iOS 18 अपडेट के बाद ही यहाँ पे चेंज हो गया था, काफ़ी बेटर एंड ब्यूटीफुल यहाँ पे कंट्रोल सेंटर यहाँ पे चेंज हो चुका है। बट इसमें और भी कुछ ऑप्टिमाइजेशंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी कनेक्टिविटी का जो टॉगल है मतलब जो सेक्शंस है बार बार आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है ताकि जो ब्लूटूथ है या फिर जो भी मोबाइल डेटा है या फिर जो वाईफाई है ऑन ऑफ करने का फीचर मिलता है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऐड कंट्रोल में एंड ऐड कंट्रोल में जाने के बाद कनेक्टिविटी सेक्शन में जाएंगे तो अगर आपको जो टॉगल्स है बाहर ही सेपरेटली ऐड करके रखना है तो बाहर ही सेपरेटली ऐड करके रख सकते हैं। सो जैसे कि मैंने मोबाइल डेटा हो, वाईफाई हो या फिर ब्लूटूथ हो, उसके बाद सारे सारे जो टॉगल्स है मैंने सेपरेटली यहाँ पे ऐड करके रखा है। सो अगर आपको कनेक्टिविटी के सारे सारे टॉगल सेपरेटली ऐड करके रखना है सो ऐड करके रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार यहाँ पे कनेक्टिविटी सेक्शन को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो iOS 18.1 के बाद जो भी यूजर एक्सपीरियंस और भी काफ़ी बेटर इंप्रूव किया गया है। एंड इसके बाद दोस्तों ऐड कंट्रोल में जाएंगे, एंड ऐड कंट्रोल में जाने के बाद कुछ यहाँ पे जो सेक्शंस है मेजर का सेक्शंस है वो भी ऐड किया है। एक बार आप कंट्रोल सेंटर को पूरा का पूरा चेकआउट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे न्यू टॉगल्स ऐड हो चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेजर का टॉगल उसमें ऐड करके देखा है। सो इस मेजर टॉगल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई एरिया या पे मेजर वगैरह करना है सो एरिया को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड टॉगल के बारे में बात करेंगे जो कि स्किल का टॉगल है। सो अगर आपको लेवल वगैरह निकालना है सो यहाँ पे लेवल मतलब जो स्किल का फीचर है वो भी आपको देखने को मिलता है। सो ऐसे कुछ न्यू टॉगल्स आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको ये कंट्रोल सेंटर पसंद नहीं आता है, वैसे अगर आपको लगता है कि बहुत सारे टॉगल्स में छेड़छाड़ी हो चुका है सो सिंपल जाइए कंट्रोल सेंटर के सेटिंग में एंड सिंपल आपको रीसेट कंट्रोल सेंटर करना है। तो रीसेट करने के बाद आपको जो कंट्रोल सेंटर है पहले जैसा आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा।
चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर के बारे में जो कि काफी मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है कॉल रिकॉर्डिंग। सो सभी के सभी आईफोन्स डिवाइसेस में यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो इस अपडेट के बाद इनेबल हो चुका है। सो कॉल कनेक्ट होने के बाद ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे आइकॉन देखने को मिलता है जो कि कॉल रिकॉर्डिंग का आइकॉन है। ध्यान में रखें ये कोई ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको मैन्युअली कॉल रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो जैसे यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो एक अनाउंसमेंट जरूर होती है जो कि सामने वाला बंदा भी यहाँ पे अनाउंसमेंट सुन सकता है। यानी जो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है जो कि सारे कॉल रिकॉर्ड्स है वेव फॉर्म के जरिए आप यहाँ पे नोट्स ऐप में सेव हो जाते हैं। सो नोट्स ऐप में जाएंगे एंड नोट्स ऐप में जाने के बाद जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है वेव फॉर्म के जरिए यहाँ पे सुन सकते हैं। बट अगर आप एक आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 मेंबर है सो 16 या फिर 15 सीरीज के मेंबर में अगर आपको वेव फॉर्म है मतलब जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है ट्रांसक्रिप्ट करना है सो ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। सो जो भी ऑडियो फाइल है अगर आपको यहाँ पे राइटिंग के जरिए ट्रांसक्रिप्ट करना है सो ट्रांसक्रिप्ट का जो फीचर्स है 15 एंड 16 सीरीज में देखने को मिला है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर के बारे में जो कि आईफोन 16 या फिर आईफोन 15 सीरीज के मेंबर को ये फीचर एक्सक्लूसिव या फिर रिसीव हो चुका है जो कि एप्पल इंटेलिजेंस मतलब कि कुछ एक ही फीचर्स इनेबल हो चुके हैं जिसका नाम है राइटिंग टूल। सो जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे नोट्स में एंड नोट्स में जाने के बाद आपको नीचे के साइड में राइटिंग टूल्स का यहाँ पे टॉगल देखने को मिलेगा एंड राइटिंग टूल्स में जाने के बाद क्लिक करने के बाद सारे के सारे ए फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ए के जरिए वर्क करते हैं। एंड सारे के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि प्रूफ रीड है, री राइट है, नीचे के साइड में देख सकते हैं समरीज है, उसके बाद की पॉइंट्स है, लिस्ट है, टेबल है। वैसे फीचर कैसे वर्क करते हैं मैंने एक्चुअल में सारे के सारे जो AI फीचर्स है डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे एक्चुअल में वर्क करते हैं। सुपर आई कार्ड पे क्लिक करके चेकआउट करके देख सकते हैं एक्चुअल में फीचर्स कैसे वर्क करते हैं। ग्रामेटिकली काफी हेल्प होते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिडायर करना है, की पॉइंट्स निकालना है, समराइज करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है। वैसे ये फीचर्स है फ्रेंडली प्रोफेशनल कॉन्शियस हर जगह पे यूज कर सकते हैं जैसे कि ईमेल पे, उसके बाद यहाँ पे चैटिंग में, टेक्स्ट मैसेज में, हर जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद राइटिंग टूल्स ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएगा। वैसे ही जो एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर से सिर्फ आईफोन 15 एंड आईफोन 16 सीरीज के यूजर्स को ही यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आप 15 एंड 16 सीरीज के मेंबर्स है तो आप इस फीचर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों अगले चेंजेस के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे गैलरी में देखने को मिलते हैं। iOS 18.1 के बाद गैलरी में काफी सारे ऑप्टिमाइजेशंस देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद एल्बम के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपको कलेक्शंस है, उसके बाद फेवरेट्स है, रिसेंट डेज है, पीपल्स है, काफी बेटर ऑप्टिमाइजेशंस एंड मेमोरी में आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशंस देखने को मिलते हैं। गैलरी में जो सर्च टैब है, सर्च टैब में भी आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे सर्च में एंड सर्च में जाने के बाद कौन से टैब का फोटो एवन फोटो में कौन सी चीज अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन वाले सारे के सारे फोटोज यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी चीज़ हम यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे कि सारीज वगैरह सर्च करेंगे तो सारीज के फोटोज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कार, सो कार सर्च करने के बाद यहाँ पे कार के फोटोज वगैरह ओपन हो जाएंगे। इवन अगर हम यहाँ पे बाइक को सर्च करेंगे सो बाइक सर्च करने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक्स है, बुक्स है, सो बुक्स को सर्च करने के बाद भी यहाँ पे बुक्स वगैरह ओपन हो जाता है। सो काफ़ी बेटर एप्पल इंटेलिजेंस का यहाँ पे फीचर ऐड हो चुका है सर्च में। सो अगर आपके गैलरी में काफ़ी सारे मल्टीपल थाउजेंड प्लस यहाँ पे फोटोज एंड अगर आपको यहाँ पे सर्च करने में दिक्कत आती है तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद क्विकली फोटोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों एप्पल का जो ऐप स्टोर है, सो ऐप स्टोर में जो सर्च टर्म है उसको भी ऑप्टिमाइज किया है और भी काफी ज्यादा बेटर फ्लेक्सिबल यहाँ पे सर्च को ऑप्टिमाइज किया है। जैसे कि मैं कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करूंगा जैसे कि फ्री रिचार्ज ऐप, सो फ्री रिचार्ज ऐप सर्च करने के बाद ढेर सारे यहाँ पे जो रिचार्ज के ऐप्स है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर ऐप का नाम यहाँ पे पता नहीं है फिर भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेमेंट ऐप सर्च किया तो सारे सारे पेमेंट ऐप्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सो ऐप स्टोर में जो भी सर्च टर्म है मतलब सर्च टैब है उसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है। एंड इसके बाद दोस्तों अगर आप एक आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 सीरीज के मेंबर है तो आपको यहाँ पे जो सीरीज का एनिमेशन है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो पूरा का फोन का बॉर्डर है तो पूरा का पूरा जो फोन का बॉर्डर है कलरफुल आपको एनिमेशन के साथ देखने को मिलता है। इवन अगर आप यहाँ पे जो पावर बटन है पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉफ इफेक्ट देखने को मिलता है। आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर बटन है पावर बटन में जो स्क्रीन है काफी बेटर आपको पॉफ एनिमेशन देखने को मिलता है।
एंड इसके बाद दोस्तों इस अपडेट के बाद कोई भी स्टोरेज में बग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी क्विकली यहाँ पे जो स्टोरेज ये कैलकुलेट होता है, इवन मेरा जो फ़ोन है पूरा का पूरा यहाँ पे फुल हो चुका है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी क्विकली स्टोरेज एनालिसिस यहाँ पे ओपन हो जाता है। बस एक ही दिक्कत मुझे यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि यार ओल्ड फ़ोन में जो स्टोरेज है काफ़ी स्टोरेज यहाँ पे घट चुका है। वैसे अगर आपका भी स्टोरेज यहाँ पे घट चुका है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज में जाने के बाद iOS का जो डेटा या फिर जो भी सिस्टम का डेटा है वो यहाँ पे ज़्यादा फुल नहीं हो चुका है, बट मेरे जो एप्लीकेशन का डेटा है वो यहाँ पे फुल हो चुका है, जो कि एक स्टोरेज का बग है, सो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। बाकी स्टोरेज में कोई भी ज़्यादा इशू वगैरह देखने को नहीं मिला है। कंट्रोल सेंटर में भी यार काफ़ी बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, आपके पास कौन सा फ़ोन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वैसे आपके फ़ोन में और भी क्या कुछ बग्स वगैरह देखने को मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, iOS 18.1 अपडेट के बाद ये आपको कुछ हाईलाइटेड एंड मेन इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। वैसे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।